नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। राज्यसभा ने बुधवार को 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब इस विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। इसके तहत राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया है। सभी दलों ने इस बिल का समर्थन भी किया। कुछ सांसदों ने संशोधन भी पेश किए, लेकिन संशोधन खारिज हो गए। इस तरह वोटिंग के जरिए राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा ये अहम बिल पारित हो गया। बता दें कि इस बिल के पक्ष में 187 वोट पड़े। लोकसभा से ये बिल 10 अगस्त को पास हो गया था। अब बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। बुधवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इस बिल का सदन में प्रस्ताव किया और चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता है तो लगभग 631 जातियों को शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। बिल पर चर्चा ओपन होने के बाद सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह संशोधन लाकर सरकार अपनी पुरानी गलती को सुधार रही है, लेकिन दूसरी गलती पर इस बिल में कुछ नहीं कहा। सिंघवी ने कहा कि 50% आरक्षण सीमा पर इस बिल में एक शब्द भी नहीं है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह संशोधन लाकर एक गलती तो ठीक की गई, लेकिन इस गलती को ठीक करने का फायदा क्या होगा। इस संविधान संशोधन में 50% आरक्षण सीमा पर एक शब्द भी नहीं बोला गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।